जिला मंडी के उपमंडल बल से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति की कोरोना महामारी के कारण 15 जून को सऊदी अरब में मौत हो गई थी, जिसके चलते व्यक्ति के परिजनों ने बल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की अगुवाई में एडीएम मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर मांग की थी कि मृतक के शव को भारत लाया जाए या फिर व्यक्ति का हिंदू रीति रिवाज के साथ सऊदी अरब में अंतिम संस्कार करवाकर अस्थियों को भिजवाया जाए ताकि परिजन मृतक की अस्थियों को विसर्जित कर सकें। 17 जैक राइफल में तैनात हूँ और मेरे फादर का 15 जून को सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस की वजह से देहांत हो गया, तो अब उनकी डेड बॉडी 15 तारीख से वहीं पे सऊदी अरबिया में ही पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, तो अभी तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी बॉडी को या तो इंडिया में भेजा जाए या तो फिर उनका सऊदी अरबिया में ही हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार होना चाहिए और उनकी अस्थियों को इंडिया में भेजा जाना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और अभी तक 15-20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ये नहीं किया गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उनकी डेड बॉडी को इंडिया भेजा जाए या तो फिर उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ पर दाह संस्कार किया जाए। ज्ञापन देने आए थे डीसी महोदय जी को, पर डीसी महोदय कहीं किसी काम से सुंदरनगर गए हैं, तो हमने ये ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है उनके माध्यम से कि भारत के राष्ट्रपति को हमने भिजवाया है। तो हम चाहते हैं जो मेरे बल विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई दीनानाथ जी जो सऊदी अरब में किसी कंपनी के थ्रू काम करने गए थे, कोरोना के माध्यम से उनका देहांत वहाँ हो गया और जब पता चला तो उनका परिवार और यहाँ आधा बल दुखी हुआ कि इतना अच्छा लड़का जो मिलनसार था, लोगों से मेलजोल की बातें करता था, लोगों के बीच में हमेशा रहता था, तो वो यहाँ नहीं, वो सऊदी अरबिया में एक्सपायर हुआ कोरोना के माध्यम से। तो जो होना था वो भगवान को मंजूर था। अब हम इतना चाहते हैं कि उनकी जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी जो है हम भारत के प्रधानमंत्री से, हम राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन अनुरोध करते हैं कि उनकी बॉडी को यहाँ लाया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार यहाँ हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। अगर बॉडी लाने में कोई दिक्कत हो भारत सरकार को या महामहिम राष्ट्रपति जी को, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर उनका दाह संस्कार जो है हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से किया जाए ताकि हमें भी लगे नहीं, अगर एक हिंदू सऊदी अरबिया में है तो उनका दाह संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से किया गया। हम ये नहीं चाहते कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए, हम ये नहीं चाहते, हम हिंदू लोग हैं, हमारी जो संस्कृति के मुताबिक जो हम चाहते हैं कि उनका दाह संस्कार जो है एक हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से किया जाए और उनकी जो अस्थियां हैं वो अस्थियां भी अगर बॉडी ना आए वो अस्थियां यहाँ पर भिजाई जाए ताकि उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को और मुझे, मेरा तो वो अनन्य भक्त था, मेरे साथ जो चलता, मेरे साथ उसने पार्टी में काम किया है, तो हमें भी एक खुशी होगी कि नहीं अगर बॉडी नहीं आई तो उनकी अस्थियां यहाँ पर लाई गई।